जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर सेवन क्लास स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर फाइन एंड यू विल बी एंजॉयिंग योर बेस्ट हेल्थ एंड स्पिरिट ऑफ स्टडीज एज वेल। गॉड ब्लेस यू। मी मोहम्मद उस्मान अमनीर, योर इंग्लिश टीचर। दिस इज़ द इंग्लिश टाइम और हमने इंग्लिश पढ़नी है, तो प्लीज़ गेट रेडी फॉर योर इंग्लिश। कम विद योर रजिस्टर्स एंड पेंसिल्स। आई होप सो कि आप मेंटली भी अटेंटिव होंगे। ठीक है जी, हमने सिंदबाद सीक्रेट शुरू किया हुआ था, इसकी रीडिंग करा रहा था। बड़े डिटेल से इसकी रीडिंग करवाई मैंने आपको। आज इसका आखिरी पैरा रह गया है, उसकी भी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके एक्सरसाइज पे। ये दिस इज़ अ पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4, द लास्ट वन एज वेल। सिंदबाद सेड आई हैव नॉट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग राइट नाउ। सिंदबाद सेड आई हैव नॉट कॉल्ड यू टू रेप्रीमेंड यू आर टू सीक योर अपोलॉजी। देखा आप, जब उसने उसको उसकी दौलत के बारे में क्वेश्चन उठाए और वो परेशान हुआ, तो सिंदबाद ने उसे बुलाया। उसने कहा कि आई हैव नॉट कॉल्ड यू। रेप्रीमेंड होता है किसी को डांट, किसी की सरजनश करना, डांटना। टू रिब्यू कह सकते हैं हम, रिब्यू या अटैक या बॉल, BAWL बॉल। टू सीक योर अपोलॉजी का मतलब होता है इनफैक्ट आपकी सॉरी। तो सिंदबाद ने कहा कि जी मैंने आपको सॉरी के लिए और डांटने के लिए, सजनेश के लिए नहीं बुलाया, मेरा मकसद बुलाने का कुछ और है। इनफैक्ट आई हैव कॉल्ड यू टू टेल यू द सीक्रेट ऑफ माई वेल्थ एंड रिचेज। ये है असल चीज़। किस लिए बुलाया? नॉट टू रिब्यूक यू, नॉट टू अटैक यू, नॉट टू इंसल्ट यू, बट कुछ बताना था। बताना ये था कि मैंने अपनी दौलत कैसे कमाई, उसका राज क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट। वो कहते हैं ना, बैठे बैठे ऐसा कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसने कहा कि मेरे सीक्रेट सुनो, हाउ आई अर्न मनी। बिलीव मी, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू अर्न दिस वेल्थ, हिंदबाद मेरा यकीन करो, मैंने ये जो सारी दौलत कमाई है बड़ी मेहनत से कमाई, बड़ी मेहनत से। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड। अब तुम तो बाहर बैठे बातें कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि हाउ आई अर्नड मनी। आई वर्कड वेरी हार्ड। और कैसे मेहनत करता रहा? Do you know that in order to earn this wealth, I have embarked on voyages? ये है फलसफा जैसे उसने दौलत कमाई। Embarked होता है बेटा किसी मुहिम में शरीक होना, किसी मुहिम में शरीक होना। The voyages, और ये मुहिम कौन सी थी? बैरी सफ़र की। यानी वो बैरी सफ़र की मुहिमात पे जाता था, बैरी सफ़र पे निकल जाता था, बैरी सफ़र की मुहिमात पे निकल जाता था। नॉट वंस, इन बात सुनो, मैं एक दफ़ा नहीं गया। सेइंग सिंदबाद टू हिंदबाद, मैं एक दफ़ा नहीं गया, नॉट वंस, और ट्वाइस, और दो दफ़ा भी नहीं गया, बट सेवन टाइम्स। मैं इस एडवेंचर पे 7 दफ़ा गया। तो दौलत कमानी इतनी आसान नहीं है। Never think about other wealth and riches. Do work hard. This is the philosophy. जिस तरह के बेटा हमारे लीडर ने भी कहा था, work, work and work, कायदे आज़म ने, तो वो तो हम करते नहीं हैं। हम दूसरों की दौलत पे नज़र रखते हैं, क्या पता उस शख्स की हिस्ट्री क्या है दौलत कमाने की, कितनी मेहनत की उसने। I would suddenly be struck by calamity. I have innumerable hair-raising adventurous एंड फेस्ड मैनी हार्डशिप्स। एडवेंचर्स होता है मुहिमात,
और हार्डशिप्स का मतलब होता है बच्चे मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, इननंबरेबल। बहुत से दफ़ा मैं इननंबरेबल हेयर रेजिंग एडवेंचर्स पे गया बड़ी दफ़ा, और इन एडवेंचर्स पर जब हेयर रेजिंग एडवेंचर्स थी तो वहाँ पर जाके मैंने बड़ी मुश्किलात को फेस किया। आई फेस्ड मैनी हार्डशिप्स एंड प्रॉब्लम्स, बहुत मुश्किल में रहा, बड़ी मुश्किलें झीली। मैनी अ टाइम आई वुड सडनली बी स्ट्रक बाय क्लेमिटी, बाय क्लेमिटी, क्लेमिटी का मतलब होता है मुसीबत, हार्डशिप, एडवेंचर, प्रॉब्लम। और बड़ी दफ़ा तो हिंद बाद ऐसा हुआ कि मैं मुसीबतों में भी फंस गया। बट एज आई फेस्ड ऑल द हार्डशिप्स एंड क्लेमिटीज आई बिकम मोर एंड मोर एडवेंचरस। ये है असल बात। वो कहता है जैसे जैसे मैं इन मुसीबतों को झीलता गया, इन प्रॉब्लम्स को फेस करता रहा, मैं आई बिकम मोर एंड मोर एडवेंचरस। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्याला बनता गया, जानबाज बनता गया, मनचला बनता गया, एडवेंचर, एडवेंचरस, willing to undertake new and daring adventures। ये होता है adventurous, ऐसा शख्स who is willing to undertake new and daring enterprises। ऐसा शख्स जो कोई नए काम के लिए खुद से राजी हो, नए काम में घुस जाए, एडवेंचर करे, उसको कहते हैं एडवेंचरस। तो मैं एडवेंचरस बना। मैंने क्लेमिटीज़ को फेस किया, मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, बट आई वॉज नॉट अफ्रेड। सो इट वॉज टफ फॉर मी टू अर्न मनी, बट आई वॉज नॉट अफ्रेड। कहते ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सिंधबाद देन नरेटेड टू हिंदबाद हिज वेरियस एडवेंचरस ट्रिप्स। और फिर इस तरह सिंधबाद ने हिंदबाद को अपनी मुख्तलिफ जो मुहिमात थी, द न्यू एंड द डेयरिंग ट्रिप्स, उसके बारे में बताया। पहले तो 7 times उसने उसके बारे में बताया, और थ्रू विच ही कुड हीप अ न्यूमरस इनॉर्मस वेल्थ। और जिन मुहिमात के ज़रिए उसने ये सारी दौलत, इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी की थी। और फिर हिंद बात को समझ आया, ओ माई गॉड, हाउ इट हैपन्ड, इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न मनी, सो आई विल आल्सो वर्क हार्ड टू अर्न मनी इन फ्यूचर। मेहनत तो करना पड़ेगी। फिर उसने भी अपने जहन में ये प्लान कर लिया कि मैं भी मेहनत किया करूँगा टू अर्न मनी एज सिंधबाद वर्क वेरी हार्ड। तो सिंधबाद ने जब उसको अपनी सारी कहानियाँ सुनाई तो हिंदबाद को थोड़ी सी अकल आई। उसने कहा, ओ यस, देर इज़ अ फिलोसफी एंड हिस्ट्री बिहाइंड योर वेल्थ, आई नो, आई अप्रिशिएट यू, सो आई विल आल्सो वर्क हार्ड इन फ्यूचर। ओके बेटा, तो ये था आपकी पूरी रीडिंग। तो अब हम इसके एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो जब एक्सरसाइज पर मूव करेंगे तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसमें से एक दो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, आपको समझ आ गई होगी। आप मुझे ये बताएं कि सिंधबाद ने हिंदबाद से क्या कहा कि मैंने आपको क्यों बुलाया अंदर, वाई आई हैव कॉल्ड यू इन साइड। जी बेटा बताएं। उसने कहा था कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि यू शुडेंट फील सॉरी एंड अपॉलोजी, रादर आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई गेट दिस होल मनी, वट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई वेल्थ एंड रिचेस। इसके लिए बुलाया था। आई हैवन टोल्ड यू फॉर अपॉलोजी, rather I have called you inside to tell the secrets of my wealth and riches। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे दौलत कमाई। अच्छा जी, फिर आप ये बताइए अब कि how many times did
सिंधबाद गो फॉर द एडवेंचर्स ऑफ वॉयजेस। बोलिए जी, जो बैरी सफ़र था उसके एडवेंचर्स पर वो गया। हाउ मैनी टाइम्स? टू वंस, ट्वाइस, थ्राइस, हाउ मैनी टाइम्स? द आंसर इज ओवर देयर, वो लिखा हुआ है सेवन टाइम्स। तो सात मरतबा बेटा वो गया था, सात मरतबा, सात मरतबा। व्हाट डिड ही से टू हिंदबाद? व्हाट डिड ही फर्दर से टू हिंदबाद? मजीद उसने क्या कहा? मजीद उसने कहा क्या कहा? उसने कहा कि आई स्ट्रक मैनी टाइम्स बाई क्लेमिटीज एंड हार्डशिप्स ओवर देयर, बट आई नेवर लूज हार्ट, बट आई नेवर लूज हार्ट। अनदर क्वेश्चन, आप ये सोचिए कि क्या ये जो क्लेमिटीज थी और एडवेंचर, सॉरी सो वॉयज का एडवेंचर था, क्या इन चीज़ों ने जो सिंधबाद था, व्हाट इफेक्ट डिड ले ऑल दीज थिंग्स टू सिंधबाद, क्या इफेक्ट पड़ा इन चीज़ों से उस पर? बोले क्या इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव? यस पॉजिटिव, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। सिंधबाद सेट आई बिकम मोर एंड मोर एडवेंचरस, मेरे ऊपर जैसे जैसे हार्डशिप्स बढ़ती गई तो मैं ज़्यादा एडवेंचरस बनता गया, मैं ज़्यादा बोल्ड होता गया, मैं ज़्यादा हिम्मत वाला होता गया। सो हेयर वी गेट अ लेसन फ्राम दिस स्टोरी कि वन हैज़ टू बी ब्रेव, वन हैज़ टू बी करेजियस एंड वन हैज़ टू बी हार्ड वर्किंग। मेहनती होना पड़ेगा, हिम्मत हारने वाला नहीं बनना, आगे बढ़ने वाला बनना है। फिलॉसफी अगर आप एक लफ्ज़ इसमें कोट करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो आपका लेसन है वो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हिम्मत ना हारो। मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफ़ीट, इसको भी आप कह सकते हैं, इसका ये मॉरल लेसन है, मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफ़ीट। इंसान तो हार के लिए बना ही नहीं, ओके इंसान तो हार के लिए बना ही नहीं है। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफ़ीटेड, इंसान को शिकस्त तो हो सकती है लेकिन इंसान हार नहीं सकता। कैन बी डिस्ट्रॉयड, इंसान को तबाह कर सकते हो आप लेकिन उसे आप शिकस्त नहीं दे सकते। पहला थोड़ा सा उल्ट हो गया, शिकस्त नहीं दे सकते, उसे तबाह कर सकते हो, यू कान डिफ़ीट अ मैन। ओके तो बड़ी डिटेल से बेटा बता दिया, अब इंग्लिश बी पे आ जाए बेटा। हमने कर लिए थे मॉरल स्टोरीज लिखनी थी, अब है बेटा आपका पेज नंबर 45 और इस पेज नंबर 45 पे है आपका लेटर, लेटर टू फ्रेंड फॉर द लोन ऑफ सम बुक्स। आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है और उसके लिए आपने उसे किताबें मांगनी है। और इस ख़त को लिखने के लिए जो इसका पैटर्न है, मेरा एक लेक्चर है वो मैंने लेटर पे दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ लेटर, उसको आपने पहले ज़रूर सुन लेना है, फिर ये लिखना है कि आपने लेटर की जो हेडिंग है वो किस तरह लिखनी है, फिर अपने लेटर की डेट किस तरह डालनी है, फिर अपने सैल्यूटेशन किस तरह लिखनी है, फिर आपने इसकी बॉडी किस तरह लिखनी है और फिर आपने इसकी क्लोजिंग किस तरह करनी है, वो मैंने लेक्चर दिया हुआ है। तो उस लेक्चर का जो हेडिंग है वो है पार्ट्स ऑफ अ लेटर। तो बेटा पार्ट्स ऑफ लेटर का जो मेरा लेक्चर है उसको पहले गौर से सुनिए, देन राइट दिस लेटर ओवर, ओके। और उसके बाद पेज नंबर बेटा आप आ जाएँ 46 पे भी यही लिखेंगे। और नेक्स्ट लेटर है आपका वो है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स ही लेंट टू यू। आपने उस दोस्त को ख़त लिखना है, जो किताबें आपने उसे उधार ली हैं उसका आपने शुक्रिया अदा करना है और उसे बताना है जी आपकी किताबें बहुत अच्छी थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, जिसमें हमें रिलीजन का और हमारे दीन इस्लाम का जो नॉलेज था वो मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी टू रीड ऑल दीज बुक्स, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपके पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बुक्स थी, तो मैंने इन सबको पढ़ाया। लेकिन उसके लिए आपने फिर वही बात, आपने पार्ट्स ऑफ लेटर का लेक्चर ज़रूर सुन लेना है ताकि आपके लिए चीज़ें ये आसान बने।
अब आप 48 पेज तक ले जाइएगा, आगे एप्लीकेशन शुरू हो रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 48 पेज तक आपने ये लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है। दैट्स इट बेटा, लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया। नाउ अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।